कहता है कि मानवीय संवेदनाएं मृत हो चुकी हैं। समाज के भीतर आज भी ऐसे लोग हैं जो उपेक्षित वर्ग के लिए पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से काम कर रहे हैं, जिन्हें नियति और हालातों ने मारा है। रुद्रप्रयाग में राज और समाज ने मानवता की एक ऐसी ही मिसाल पेश की है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। जखोली विकासखंड के बुड़ना गांव की बेघर गरीब दीनहीन राखी देवी को सामाजिक संगठन जन अधिकार मंच ने रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर आशियाना बनाकर भेंट किया। मंच के अध्यक्ष मोहित डिमरी और उनकी पूरी टीम ने मकान बनाने में पूरे एक साल तक अभियान चलाया। देखिए, पिछले वर्ष अगस्त माह में हमारे पास ये मामला आया था कि बुड़ना गांव की राखी देवी के पास मकान नहीं है और जो उनका मकान है जिसमें वो रहते हैं वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है और उनके पास उस समय न बिजली का कनेक्शन था न उनके पास गैस सिलेंडर था। और इस समस्या को देखते हुए हमने जनअधिकार मंच ने ये वीडा उठाया कि राखी देवी का मकान बनाकर देंगे और इसके लिए हमने मुहिम शुरू की। तत्कालीन जिलाधिकारी मंगेश घिड़ियाल जी से हम संपर्क किया, उन्होंने आपदा मद में 1,00,000 रुपए की राशि यहां पर उपलब्ध करवाई। इसके बाद रुद्रप्रयाग व्यापार सभा की ओर से करीब करीब 56,000 रुपए हमें मिले, अन्य लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाई और करीब करीब हम लोग 3,00,000 रुपए हमने इसमें इकट्ठा किए और 1,00,000 रुपए आपदा मद में, कुल मिलाकर 4,00,000 रुपए में यहाँ पर 2 कमरे का मकान बनकर तैयार हो गया। और ये एक तरह से जो सामाजिक सहभागिता है उसमें एक बेजोड़ नमूना इसे कह सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर समाज में इस तरह से कम ही देखने को मिलता है। और जनअधिकार मंच को जिस तरह से लोगों ने सहयोग किया है, हम अपेक्षा करते हैं कि आगे भी लोग हमें इस तरह सहयोग करते रहेंगे ताकि हम इसी तरह लोगों के जनहित के काम में हम जुटे रहेंगे। देखिएगा, जनअधिकार मंच का जो अपनी भूमिका रही उससे बहुत खुश है, क्योंकि जनअधिकार मंच का जन्म ही इन सभी कामों के लिए हुआ। और जब हमने राखी देवी के बारे में यहाँ पे सुना कि निराश्रित विधवा है, उनकी एक 15-16 साल की लड़की कुपोषण से मर गई है, इनके पास रहने का नहीं, तो सभी ने सोचा, हमारे अध्यक्ष मोहित डिमरी ने सोचा, संरक्षक महोदय ने सोचा, सब ने एक बहुत दिल से सोचा और मानवीय गुणों से उत्प्रोत होकर सोचा कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। बस हमें साथ मिला जिलाधिकारी महोदय मंगेश घिड़ियाल जी का, जब एक से एक मिलकर हम आगे बढ़े तो निरंतर मदद के हाथ बढ़ते गए, चाहे वो व्यापार सभा हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, एक लंबी श्रृंखला बनी। और जो आज राखी देवी का ये मकान देख रहे हैं, ये हजारों हाथों का की मेहनत का परिणाम है। दरअसल एक साल पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से बुड़ना की राखी देवी के बारे में जन अधिकार मंच को पता चला। घर नहीं था, झोपड़ी में ही बच्चों को रखना पड़ता था। झोपड़ी में न गैस कनेक्शन था, न पानी और न बिजली। वर्षों पहले पति की मौत के बाद 3 बच्चों की लालन पालन की जिम्मेदारी ने उसे और भी तोड़ दिया। घोर गरीबी और अभाव में जी रही राखी देवी को तब और अधिक सदमा लगा जब भूख से उनकी 14 साल की बेटी ने दम तोड़ दिया, जबकि वो खुद भी एनीमिया बीमारी से ग्रस्त हो गई। सामाजिक संगठन जन अधिकार मंच ने इस मामले को प्रमुखता के साथ उठाया और उच्चाधिकारियों को अवगत करवाते हुए महिला को बिजली और रसोई गैस कनेक्शन दिलवाया। इसके बाद उनके परिवार के लिए मकान बनाने की मुहिम शुरू की गई। तत्कालीन जिलाधिकारी ने मकान बनाने के लिए आपदा मद में करीब 1,00,000 रुपए स्वीकृत किए और मकान बनाने की जिम्मेदारी मंच को सौंपी, जिसके बाद रुद्रप्रयाग व्यापार सभा ने आर्थिक सहयोग देते हुए 56,000 रुपए की धनराशि दी और अन्य लोगों ने भी मकान बनाने के लिए आर्थिक सहयोग दिया। इस तरह से 4,00,000 रुपए की धनराशि से मकान बनकर तैयार हुआ, जिसे रक्षाबंधन के मौके पर अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा और मंच ने राखी देवी को मकान की चाबी सौंपी। ये आज का बहुत बड़ा दिन है। आप जान रहे हैं कि आज अयोध्या में भगवान राम का कह सकते हैं मंदिर बन रहा है और यहाँ भी एक मंदिर बना है और ये मंदिर लोगों ने अपने हाथ से बना के दिया है, राखी देवी को दिया है। आज का दिन भी रक्षाबंधन का दिन है। ये एक ऐसी मिसाल है कि जो बहुत कम देखने को मिलती है और ऐसे कामों से मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये सभी को संदेश है कि बूंद बूंद की मदद जो है वो एक कैसे घर बना देती है, इसका जीता जाता। इस बार अगर ये पात्रता की श्रेणी में आएंगे तो ज़रूर बेघर नहीं रहेंगे। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा मंच आज रुद्रप्रयाग जनपद में एक मिसाल के रूप में जाना जा रहा है और यही मंच प्रत्येक समस्याओं के निराकरण के लिए हर समय शासन प्रशासन से लड़ता रहता है। इसी संबंध में पिछले साल जो राखी देवी नाम की एक विधवा महिला का संज्ञान हमारे मंच के माध्यम से पता चला, तो हम सब लोगों की एक मुहिम रही कि इस महिला को, इस निराश्रित को अपना छत देना, अपना भवन देना, उसको आशियाना देना। ये हमारा काम सफल हुआ, बड़े सौभाग्य की बात है। राखी के पर्व पे राखी के घर में राखी का प्रवेश।
खुद का आशियाना पाकर जहां राखी देवी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, तो वहीं मंच को धन्यवाद करते हुए वो भावुक भी हो गई। बहुत बेकार प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में सामाजिक संगठनों की भरमार है जो मात्र गरीबों के कल्याण के नाम पर सरकारी योजनाओं के बारे न्यारे करते हैं। लेकिन सामाजिक संगठन जन अधिकार मंच ने खुद के बूते समाज से चंदा लेकर जो पुनीत काम किया है, वास्तव में उसकी चौतरफा तारीफ हो रही है। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।